बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स, आई एम फिज़ान अहमद। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है वो कंटिन्यू है। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज जो है रिव्यू एक्सरसाइज वो देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, रिव्यू एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक बात आप मेक श्योर कर लें कि इस चैप्टर की जो बाकी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो आपने सारी देखी हुई हो। ठीक है, तकरीबन 6 वीडियोज़ आई थिंक, 4 थ्योरम्स की हैं और 2 एक्सरसाइजेस की हैं। वो 6 वीडियोज़ अगर आपने पहले अच्छी तरह से देखी हुई हैं, समझी हुई हैं, देन आपको इस रिव्यू एक्सरसाइज की बेहतर समझ आएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स आप देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का है। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स तो हमारे पेपर में आते नहीं है, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको MCQ के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम इनको भी देखेंगे। देखें जी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर। जी ऑफ कोर्स, ये तो थ्योरम की स्टेटमेंट थी कि जो लॉन्गर साइड के अपोजिट होता है एंगल वो ग्रेटर होता है, तो ये ट्रू है जी, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर एंगल इज ऑफ 60 degrees। राइट एंगल ट्राइंगल में जो ग्रेटर एंगल होता है वो 60 degrees का होता है? ऑफ कोर्स नहीं होता। ठीक है ना, राइट ट्राइंगल में जो ग्रेटेस्ट एंगल होता है बच्चों वो कितना होता है? 90 degrees, और 90 degrees से ग्रेटर एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में मौजूद नहीं होता। तो इधर तो 60 दिया हुआ है, डैट इज रॉन्ग। इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। ठीक है, आइसोसेलेस क्या होती है? जिसकी टू साइड्स लेंथ में इक्वल हो, और राइट ट्राइंगल क्या? उसके अंदर एक 90 का एंगल हो। ठीक है ना, आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। एंगल्स अदर देन राइट एंगल आर ईच ऑफ 45 degrees। यस, दोनों ईच 45 के होते हैं। ये आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, देखें ज़रा। सपोज करें मेरे पास ये एक आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। ठीक है, सपोज करें कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल ये होती है ना जिसमें दो साइड्स इक्वल हों, और ये जो एंगल है ये 90 का एंगल है। कितना है? 90 का एंगल है। ठीक है, तो अब ये वाले जो साइड्स होती है ना, ये वाले जो दो एंगल्स होते हैं बच्चों, ये वाले दो एंगल्स, ये दोनों 45 45 के होते हैं। कितने कितने होते हैं? 45 45 के। तो आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल में जो बाकी दो एंगल्स होते हैं 90 के अलावा, वो दोनों 45 45 के होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आर ट्राइंगल हैविंग टू कॉन्ग्रेंट साइड्स इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हो तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ कैसी हो बच्चों? सेम हो, इक्वल हो, तीनों साइड्स कॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। दो साइड्स कॉन्ग्रेंट हो वो तो आइसोसेलेस हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ आ रही है? तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? ये रॉन्ग हो गई है। आ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जी हाँ, ये 4th थ्योरम हमने किया था कि एक लाइन और एक पॉइंट, ये एक पॉइंट है, तो इस लाइन और इस पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा डैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस विल बी शॉर्टेस्ट। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आप कोई भी डिस्टेंस ले लें वो सारे लॉन्गर होंगे, शॉर्टेस्ट एक ही है जो परपेंडिकुलर है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। परपेंडिकुलर टू अ लाइन फॉर्म एन एंगल ऑफ 90। ऑफ कोर्स 90 डिग्रीज को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। देखें क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक ऐसा पॉइंट जो लाइन के आउटसाइड हो क्या वो कोलिनियर होगा? देखें, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है जो इस लाइन के आउटसाइड है। अब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर तो लाई नहीं कर रहा। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा तो ये फिर नॉन कोलिनियर है बच्चों। कैसा है? नॉन कोलिनियर। हाँ देखें, ये वाले पॉइंट्स कैसे हैं? ये सारे के सारे कोलिनियर हैं क्योंकि ये एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा, ये नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आ पॉइंट आउटसाइड द लाइन इज कोलिनियर विद इट। क्या वो कोलिनियर होगा? नहीं, कोलिनियर नहीं होगा क्योंकि वो लाइन के आउटसाइड है। आगे चलें। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड। बिल्कुल ठीक, ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है कि दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन इट इज जीरो। हाँ जी, देखें बड़ी अच्छी बात पूछी, बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है। सपोज करें एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ही एक पॉइंट मौजूद है यहाँ पर। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि मुझे बताएं इस लाइन और इस पॉइंट के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हमें कैसे पता चलता है? जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था,
अब ये तो पॉइंट ही लाइन के ऊपर आया हुआ है, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर भी ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डैट डिस्टेंस इज जीरो डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? जीरो। तो बात याद रखें, जब कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा होता है, जैसे पॉइंट पी है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान डिस्टेंस जो है वो जीरो है, कोई डिस्टेंस नहीं है क्योंकि दोनों कोइंसाइड हुए हुए हैं। बात समझ में आ गई? तो इज जीरो, यस। ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2, 3 एंड 5। हमसे पूछा गया कि 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर से ट्राइंगल बनेगी या नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल काम है, जब हमें 3 साइड्स की लेंथ गिवन हो, बड़े ही ध्यान से ये बात सुने क्योंकि यही बात आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें यूज होगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने। अगर सपोज करें बच्चों हमारे पास 3 साइड्स गिवन है, ठीक है, एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, 3 साइड्स हमें दी हुई हैं, और हमसे कहा गया कि चेक करें कि ये ट्राइंगल बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं है। तो आपने सिंपली ये करना है कि कोई सी दो का सम हमेशा तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए। क्या कहा मैंने, ये बात आप नोट कर लें ज़रा जो मैं अब लिख रहा हूँ। इफ़ वी हैव एनी 3 लेंथ्स देन वी विल एड एनी टू लेंथ्स देन वी विल एड एनी टू लेंथ्स एंड द रिजल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है बच्चों, इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी 3 साइड्स की लेंथ दी हुई हो और आपसे पूछा जाए कि ये ट्राइंगल है या नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने दो दो लेंथ्स को ऐड करके चेक करना है, वो हमेशा तीसरी लेंथ से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे देखें मेरे पास ये, मेरी फिंगर्स को देखें, ये 3 साइड्स हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं इन दो को ऐड करूँगा और चेक करूँगा कि इन दोनों का सम इससे ग्रेटर है या नहीं, ठीक है। फिर मैं इन दो को ऐड करूँगा और इन दो का सम जो आएगा मैं चेक करूँगा कि इससे ग्रेटर है या नहीं, फिर मैं इन दो को ऐड करूँगा, ठीक है, और इन दो को ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो चेक करूँगा कि इससे ग्रेटर है या नहीं। इस तरह से आपने तीनों पॉसिबिलिटीज़ चेक करनी है। अगर तीनों केसेस में ग्रेटर देन आ रहा है तो आप कहेंगे कि ये जो साइड्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, और अगर एक भी केस में वायलेशन हो गई, छोटा आ गया या इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे कि ये ट्राइंगल नहीं है, ठीक है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपने, ये नोट कर लें साइड पे। अच्छा अब आगे चल रहे हैं हम, यहाँ पे हमसे कहा गया ट्राइंगल कैन बी फॉर्म्ड ऑफ लेंथ 2, 3 एंड 5। अब चेक कर लेते हैं 2, 3, 5 को लेकर, देखें ज़रा, इधर कर रहा हूँ मैं, मेरे पास है 2, 3 और 5। मैं ज़रा 2 + 3 करता हूँ, मेरा 2 + 3 कितना आया, 5, वो तो 5 के इक्वल है, ग्रेटर तो है ही नहीं, तो यहीं पे कह देंगे ये ट्राइंगल नहीं है, तो ये ट्राइंगल नहीं बना सकती, ठीक है जी। जी तो हमारे ट्रू फॉल्स हो गए कंप्लीट। अब हम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। व्हाट विल बी द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन। हमसे कहा गया है कि एक लाइन के बाहर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट का, उस लाइन से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसका एंगल कितना होगा। तो हम सब जानते हैं कि परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर का मतलब कितना होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज। तो आप इसका सिंपल आंसर लिखें, मैं क्वेश्चन नोट डाउन नहीं कर रहा, बुक्स आपके सामने होनी चाहिए, क्वेश्चन मैंने आपको बुक से दिखाया, अब मैं जस्ट इसका यहाँ पे आंसर राइट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर होगा द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो एंगल होता है वो कितना होता है। द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्रीज। कितना एंगल होता है बच्चों, 90 डिग्रीज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो आपने इस तरह से सेंटेंस में इसका आंसर कर दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नंबर थ्री की स्टेटमेंट है, इफ 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल. हमें कहा गया कि 13, 12 और 5 जो हैं वो ट्राइंगल की लेंथ हैं. हमने वेरीफाई नहीं करना, ठीक है, गिवन है कि ट्राइंगल की लेंथ हैं. देन वेरीफाई दैट डिफरेंस ऑफ मेजर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड. तो हमने बच्चों वेरीफाई करना है कि कोई सी दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो थर्ड साइड से लेस है. बहुत ही सिंपल काम है, बिल्कुल इजी काम है. देखिए किस तरह से करेंगे. इसका सोल्यूशन करने लगा हूँ मैं यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर थ्री का सोल्यूशन देखें. मुझे जो साइड्स गिवन है वो ज़रा मैं लिख रहा हूँ. मुझे साइड्स गिवन है बच्चों 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर. कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 15 नहीं है, 5 सेंटीमीटर. ठीक है जी, हमें तीन साइड्स की लेंथ गिवन है और हमसे कहा गया है कि ये ट्राइंगल की लेंथ है, ट्राइंगल की साइड्स हैं. तो हमने वेरीफाई करना है कि कोई सी दो का डिफरेंस थर्ड के थर्ड से लेस है. ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली दो दो का डिफरेंस लेते जाएं. 13 पहले मैं इन दो का डिफरेंस ले रहा हूँ, 13 में से 12 को माइनस करें. तो 13 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर कितना आएगा बच्चों, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर. और जो 1 सेंटीमीटर है वो 5 सेंटीमीटर से लेस है, छोटा है, तो लेस देन 5 सेंटीमीटर. एक बात तो वेरीफाई हो गई. अब मैं 12 और 5 का डिफरेंस लूँगा, 12 माइनस 5, 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर कितना होता है, 12 में से 5 गए 7, 7 सेंटीमीटर. क्या 12 से छोटा है, सॉरी 13 से, क्योंकि 12 और 5 को लिया है ना हमने, 12 और 5 को लिया है, तो अब हम 13 के साथ कंपेयर करेंगे. तो 7 जो है वो क्लियर नज़र आ रहा है कि 13 से लेसर है. दूसरी बात भी सेटिस्फाई हो गई. अब मैं 13 और 5 का डिफरेंस लूँगा, 13 और 5 का, और चेक करूँगा कि 12 से छोटा आता है या नहीं. तो 13 माइनस 5 कितना होता है बच्चों, 8 सेंटीमीटर. और क्लियरली 8 सेंटीमीटर जो है वो 12 से लेस है. तो हमने प्रूफ कर दिया कि तीनों केसेस में जो दो साइड्स का डिफरेंस है वो थर्ड साइड से लेस आ रहा है. तो आप लिखें, हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट, एंड रिजल्ट लिख दें, हैंस इट इज वेरीफाइड दैट, हैंस इट इज़ वेरीफाइड दैट difference of any two sides of triangle is less than the third side. ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है. दोबारा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो अच्छी तरह से सुने हैं, समझे हैं, अटेंड किया उन लेक्चर्स को, तो आपको ये बातें बिल्कुल ही हलवा लगेंगी. बहुत ही ईजी बातें कर रहे हैं हम, ठीक है ना, कोई भी चीज़ नई नहीं है, सारी प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं. अब देखें, ये था क्वेश्चन नंबर थ्री. अब क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे हम. क्वेश्चन नंबर फोर की स्टेटमेंट देखें बुक से. क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास, इफ़ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल. अब दोबारा हमें कहा गया है कि 10, 6 और 8 ट्राइंगल की लेंथ हैं. देन वेरीफाई दैट सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. बच्चों बिल्कुल वही काम है जो अभी हमने थर्ड में किया, लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे फ़र्क क्या है इन दोनों में, यहाँ पे डिफरेंस करने को कहा गया था और यहाँ पे सम करने का कहा गया, ठीक है. और इस क्वेश्चन में हमने लेस शो किया था, इस क्वेश्चन में हम ग्रेटर शो करेंगे. बात समझ आ रही है. तो क्वेश्चन नंबर फोर में हम क्या करेंगे, हमने ये वेरीफाई करना है कि कोई सी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ग्रेटर है, ये हम शो करना चाहते हैं. तो देखिए मैं सबसे पहले इसके लेंथ नोट कर रहा हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर, लेंथ मुझे गिवन है 10, 6 एंड 8, 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों, ये गिवन है. अब मैंने कोई सी दो को सम करना है और शो करना है कि वो तीसरी से ग्रेटर है. तो पहले वन बाय वन चलेंगे, 10 प्लस 6 करेंगे पहले, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, 10 प्लस 6 कितना होता है 16 सेंटीमीटर, और जो 16 है वो 8 से ग्रेटर है.
एक बात सेटिस्फाई हो गई। अब आगे 6 + 8 करें, 6 cm + 8 cm, 6 + 8 कितना होता है 14 cm, और जो 14 है वो 10 से ग्रेटर है। ठीक है जी, अब इन दो की बारी 10 + 8 करेंगे हम, 10 cm + 8 cm कितना होता है 18 cm, और जो 18 है वो 6 से ग्रेटर है। तीनों बातें वेरीफाई हो गई, तीनों केसेस हमारे वेरीफाई हो गए। तो अब आप लिखेंगे हैंस इट इज, हैंस इट इज वेरीफाइड दैट सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें गिवन है 3 cm, 4 cm एंड 7 cm आर नॉट द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल। हमें कहा गया है बच्चों कि 3, 4 और जो 7 है वो ट्राइंगल की लेंथ नहीं है। गिव द रीज़न, रीज़न दें कि क्यों ये ट्राइंगल की लेंथ नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ही सिंपल सा काम है कि जब कभी आपको 3 साइड्स गिवन हो और आपने चेक करना हो कि वो ट्राइंगल बना, वो ट्राइंगल की साइड्स हैं या नहीं, तो आप क्या करते हैं, सिंपली सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथ गिवन है मुझे 3, 4 and 7, 3 cm, 4 cm एंड 7 cm। दोबारा सुने बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें 3 साइड्स गिवन है, 3 साइड्स गिवन है, हमने वेरीफाई वगैरह कुछ नहीं करना, 3 साइड्स गिवन है और हमसे कहा गया है कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये ट्राइंगल नहीं बना रही, ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं हैं। बस रीज़न बताएं, रीज़न देनी है हमने कि ये ट्राइंगल की साइड्स क्यों नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे, 2-2 करके ऐड करते जाएं, पहले 3 और 4 को मैं ऐड करूँगा। तो हम सब जानते हैं कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर सम ऑफ एनी टू साइड्स थर्ड साइड से ग्रेटर है तब वो ट्राइंगल होगी, अदरवाइज वो ट्राइंगल नहीं होगी। तो अब चेक करते हैं 3 cm + 4 cm कितना होता है बच्चों, 3 + 4 = 7 cm। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग ये वाली जो आंसर आया है हमारा, ये थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन थर्ड साइड क्या है, वो तो 7 है, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए, ये तो ग्रेटर है ही नहीं। 7 को इससे ग्रेटर होना चाहिए था तो ये ट्राइंगल होती, लेकिन 7 तो इसके थर्ड साइड के बराबर आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो अब आप नीचे लिखेंगे एज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, एज द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। बट हेयर सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड। ले यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि दो साइड्स का सम तीसरी के इक्वल आ गया, वही बात हमने लिखी, बट हेयर सम ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, हेंस इट इज नॉट अ ट्राइंगल। तो ये बात प्रूव हो गई, ये रीज़न है बेसिकली जिसकी वजह से ये जो साइड्स, ये जो लेंथ्स हैं वो ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे रीज़न पूछी गई थी, हमने रीज़न बता दी। रीज़न क्या बताई हमने कि एक ट्राइंगल होने के लिए ज़रूरी है कि दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर हो, लेकिन यहाँ पर तो दो साइड्स का सम तीसरी के बराबर आ गया, थर्ड के इक्वल आ गया, तो इस वजह से ये ट्राइंगल की साइड्स कभी भी नहीं हो सकती। क्लियर, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ 3 cm एंड 4 cm
आर द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. हमें कहा गया है, बड़े ही ध्यान से आपने इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को सुनना है और समझना है. स्टेटमेंट ये है कि 3 and 4 आर लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स हमें गिवन है, 3 और 4, थर्ड साइड हमें नहीं पता. देन वट शुड बी द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल. हमने थर्ड साइड की लेंथ बतानी है कि थर्ड साइड की लेंथ कितनी होगी. ठीक है, एक चीज़ माइंड में रखिए कि राइट ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है. किसका जिक्र हो रहा है? राइट ट्राइंगल का. ठीक है, तो राइट ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो. ठीक है जी, एक एंगल 90 डिग्रीज का हो और राइट ट्राइंगल के ऊपर एक पिथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है. ये बात, दो बातें जहन में रखें. ठीक है जी, राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है और उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है. अब हम थर्ड साइड निकालते हैं. कैसे निकालेंगे देखें. क्वेश्चन नंबर 6, लेंथ गिवन है मुझे 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर. मैं लेट कर लेता हूँ कि थर्ड साइड जो है वो x है. लेट x बी द थर्ड साइड. बच्चों हमने सपोज कर लिया कि जो थर्ड साइड है वो x है, तो यहाँ पर x सेंटीमीटर आ गया थर्ड साइड. फीक की कन्फ्यूजन तो नहीं. अब थ्योरम हमें ये कहता है कि दो साइड्स का सम तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए. अगर ये राइट ट्राइंगल की साइड्स हैं, अगर ये राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल एक ट्राइंगल ही होती है. ठीक है, अब अगर ये ट्राइंगल है तो दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर होना चाहिए. तो मैं लिख सकता हूं थ्री सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स सेंटीमीटर. यानी कि पहली दो साइड्स का जो सम है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए. ठीक है ना, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन एक्स सेंटीमीटर. यहाँ से हमें एक बात पता चली कि जो तीसरी साइड है जो हमने फाइंड आउट करनी है वो हमेशा 7 से छोटी ही होगी, 7 से ग्रेटर नहीं हो सकती. ठीक है बच्चों, जो थर्ड साइड होगी वो कैसी होगी? इस रिलेशन से हमें क्या पता चल रहा है? इस रिलेशन से हमें ये बात पता चल रही है, ये इन्फॉर्मेशन पता चल रही है कि जो थर्ड साइड होगी वो लेस होगी किससे? 7 से. अब 7 से लेस क्या होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी या 6 होगी? अब ये चेक करना है हमने. ये चेक करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे. बाय पाइथागोरस थ्योरम. अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लगे हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर. यही है. आप एच को एज इट इज रहने दें. ठीक है, आप ऐसा करें कि एच की जगह बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. एच की जगह आप एक्स रखें जरा. ठीक है, एक्स को एच की जगह पुट कर दें तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, कितना हो गया एक्स का स्क्वायर? 3 को आप बेस कह लें तो 3 स्क्वायर और 4 को आप परपेंडिकुलर कह लें, 4 का स्क्वायर आ गया. ठीक है जी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं. अब आप जरा से सिंप्लीफाई करें. 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9. 4 का स्क्वायर हो गया 16. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16 25. दोनों तरफ अंडर रूट टेक करें. जब मैं अंडर रूट टेक करूंगा तो x की वैल्यू बताएं कितनी निकलेगी? x की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 सेंटीमीटर. तो बच्चों ये है हमारे पास हमारी थर्ड साइड जो हमने फाइंड आउट करनी थी. तो थर्ड साइड कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर. ठीक है, दोबारा सुने क्या होगा. क्वेश्चन में मुझे दो साइड्स गिवन थी, 3 और 4. मैंने थर्ड साइड फाइंड आउट करनी थी तो मैंने क्या किया? मैंने x है थर्ड साइड, तो अगर थर्ड साइड x है तो मैंने थ्योरम अप्लाई किया कि पहली दो का सम तीसरी से ग्रेटर होना चाहिए. तो मैंने 3 + 4 > x लिखा. 3 + 4 = 7 होता है, तो 7 > x. तो मुझे यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि जो थर्ड साइड होगी वो कुछ भी हो सकती है, बट वो 7 से छोटी होगी, 7 से लेस होगी. अब वो क्या होगी? उसके लिए मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया. एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. एच की जगह मैंने एक्स को रखा, बी की जगह मैंने फर्स्ट वाली वैल्यू रख दी, पी की जगह सेकंड वाली वैल्यू. सिंप्लीफाई किया, एक्स हमारे पास 5 आ गया. यही हमारा आंसर है. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी. अब आपने इन्हीं क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, खुद से दोबारा से इनको सारी क्वेश्चंस को देखें, अच्छी तरह से समझें और इनकी प्रैक्टिस करें. ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे. अल्लाह हाफिज़.